आज की इस वीडियो में हम आपको यार पोची नो के टॉप 8 सीक्रेट प्लेस बताने वाले हैं। सोबरिन सर अभी अपना आ भी चुका अपने फशंबर के सीक्रेट प्लेस पे, तो फशंबर का सीक्रेट प्लेस आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे ये जो टावर वगैरह देखने को मिलता है ना, तो यार यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला ग्लू वॉल कुछ इस तरीके से सेट कर देना है जिस तरीके से मैंने किया, फिर यार सेकंड वाला ग्लू वॉल कुछ इस तरीके से सेट कर दो, फिर आपको यार यहाँ से इधर आ जाना है और सेकंड वाले ग्लू वॉल के ऊपर जंप करके इधर है ना, तो इस टावर के ऊपर आप यार लेट जाते हो तो आप यार कर सकते हो। सो फ्रेंड्स यार यहाँ पे मैं ग्लू तोड़ रहा था तो एक यार गाड़ी जा रही थी, तो यार वो गाड़ी को मतलब कार को मैंने ब्लास्ट कर दिया और उसके अंदर जो बंदा था ना उसकी यार सुताई उताई कर दी। बाकी फ्रेंड्स यार मैंने उसको धोया ना तो वो यार कवर में चले गया। फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा इधर के साइड में आया, मतलब मैं उसको इमोट विमोट मार रहा था तो यार वो कवर छोड़ के बाहर के साइड में आया, तो फिर मैंने उसको सूता, तो देखो यार यहाँ पे मैंने उसको फिर से मारा है ना, तो फिर से यार वो चले गया। फिर वो यार थोड़ी देर बाद यहाँ से कवर से बाहर निकला तो फिर फाइनली यार उसकी डेट कर दी अपन ने। तो यार यहाँ से आप कुछ इस तरीके से बैठे बैठे यार बंदे को भी टपका सकते हो जिस तरीके से अपन ने टपकाया। तो ये वाला सीक्रेट प्लेस काफी ओपी है, काफी अमेजिंग है। यहाँ पे फ्रेंड्स यार आपको सिर्फ यहाँ पे लेटना होता है, तो यहाँ पे आप लेट जाते हो तो यार काफी सही बन जाता है। बाकी फ्रेंड्स यार ये ना इसमें यहाँ पे इधर से एमोनी आएगी अगर आप लेटते हो, बाकी इधर से आएगी और इधर से भी नहीं आएगी। तो ये फ्रेंड्स यार थोड़ा आप यार फायरिंग करके चेक कर लेना यहाँ पे जहाँ पे मैं लेटा हूँ ना वो यार बेस्ट है। सो अभी अपन आ चुके अपने दूसरे नंबर के सीक्रेट प्लेस पे, तो दूसरे नंबर का सीक्रेट प्लेस आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे ये जो टायर है ना इस टायर से जंप करके ऊपर के साइड में आ जाओ और फिर इधर के साइड में दूसरे वाले टायर से जंप करके इधर और फिर यहाँ पे तीसरे वाले टायर से जंप करके इस विंडो मतलब मल्टी विंडो के ऊपर आ जाओ। और अगर आपके पास जहाँ पे आप यार लैंड करें ना तो वहाँ पे अगर आपके पास माइन वगैरह है तो माइन भी लगा दो ताकि यार कोई भी बंदा एनिमी जंप करके आए ना तो वो यार बेचारा वही ब्लास्ट हो जाए जहाँ पे अपन ने माइन लगाई वहीं पे ब्लास्ट हो जाए। तो आप यहाँ पे लेट जाते हो तो इधर से कोई भी बंदा आपको नहीं मार सकता, पीछे से भी यार कोई भी बंदा आपको नहीं मार सकता, और सिर्फ फ्रेंड्स यार ये फैक्ट्री वाली साइड से यार आपको कोई बंदा देख सकता है तो उससे आपको यार डील करना ही पड़ेगा। मतलब यार कोई भी बंदा इधर से आए ना तो उससे बचने के लिए आप यार कवर वगैरह इस तरीके से ग्लू डाल के यार उससे डील कर सकते हो, फाइटिंग साइटिंग ले सकते हो जिस तरीके से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो थोड़ी देर के बाद फ्रेंड्स यार मैं यहाँ पे ऐसे ही बैठा था एक गेम के अंदर दूसरे गेम के अंदर, तो यार यहाँ पे फायरिंग वगैरह कर रहा था, किसी बंदे को बुलाने की कोशिश कर रहा था, सोच रहा था कि यार कोई बंदा आए तो यार उसको टपकाने की कोशिश करे, तो एक मॉन्स्टर ट्रक वाला आया। देखो फ्रेंड्स यार इधर के साइड से एक मॉन्स्टर ट्रक वाला आया तो उसको अपन ने धोया एकदम मस्त तरीके से धोया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यार वो उसको यार मैंने मारा ना तो वो उतर गया और उतरने के बाद तो यार उसकी डेट कंफर्म हो गई थी। और फिर यार यहाँ से आप यार कुछ इस तरीके से मार के बैठ सकते हो और लेट भी सकते हो, लेटने में यार आपको फैक्ट्री वाली साइड ध्यान रखना पड़ेगा। अभी फ्रेंड्स यार यहाँ से उतरने के लिए आपको यार यहाँ से इधर ये कोने से जंप कर दो तो आप यार इजी तरीके से आ जाओगे नीचे की साइड में। सो यहाँ पे यार एक बंदा है जो कि यार मुझे धो रहा है तो पहले उसको धो देते हैं फिर अपन यार नेक्स्ट नंबर के सीक्रेट प्लेस पे चलते हैं। तो वो बंदा फ्रेंड्स यार अभी मेरे पास एमओ भी चाह रही है और वो बंदा यार मेरे को इधर के साइड में अरे रे। सो ये रहा फ्रेंड्स यार बंदा और उस बंदे को अपन ने अरे भाई उसने नेट कर दिया। तो इस बंदे को यार मैंने यहाँ से ना काफी ज्यादा धोया फिर ब्लू वॉल तोड़ के और उसकी डेट कंफर्म कर दी। तो इस तरीके से यार यहाँ से बैठे बैठे यार मैंने ना उस बंदे मतलब बैठे बैठे क्या यार मैंने यार उसको मारा भाई बाहर निकल के उसको मारा। सो कोई ना फ्रेंड्स यार ये वाला सीक्रेट प्लेस आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना, अच्छा लगा तो लाइक कर दो। सो चलो यार अभी अपन चलते अपने नेक्स्ट नंबर के सीक्रेट प्लेस पे, इसको भी यार अपन यार दूसरे नंबर का ही सीक्रेट प्लेस बोलेंगे क्योंकि यार ये भी मल्टी विंडो के ऊपर ही जाना है, मतलब इसमें यार ज्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें भी फ्रेंड्स यार आपको टायर से जंप करके ऊपर के साइड में आ जाओ, मतलब यार पोचिनोक में दो मल्टी विंडो देखने को मिलते हैं ना तो दोनों पे आप यार बैठ सकते हो। बाकी यार इस वाले में आपको यार ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है क्योंकि यार आपको फैक्ट्री वाली साइड और यार पीक वाली साइड ध्यान रखना पड़ता है। बाकी आपके पास यार कवर वगैरह लेने के लिए ये खंबा तो यही सही। बाकी फ्रेंड्स यार यहाँ पे आप यार कुछ इस तरीके से मूव करते रहोगे ना तो कोई बंदा यार आपको हेड वेट नहीं मार सकता, मारेगा तो सही अगर लेगा तो। बाकी यार हेड वेट से बचने के लिए आपको यार इधर ऐसा मूव करते रहना है, मतलब इधर के उधर टहलते रहना है ताकि यार आपको कोई भी बंदा यार नोटिस करे तो मार नहीं पाए जान से ना। तो यार एक बंदा मेरे को इधर के साइड में दिखा तो मैंने यार उसको धोया काफी ज्यादा धोया तो फिर वो कवर में चले गया तो मैं भी अपना कवर में वापिस आके बैठ गया। बाकी यार वो बंदा मेरे को यहाँ से दिखा उकांग बना हुआ था तो फिर मैंने उसको एकदम हेड वेट मार के हेड वेट बना के यार उसकी सुताई उताई कर दी। बाकी फ्रेंड्स यार यहाँ से उतरने के लिए आपको यार वही सेम टेक्निक आपको विंडो पे जंप कर देना है, ये वाली विंडो में दोनों मल्टी विंडो में कर सकते हो। और अभी अपन चलते नेक्स्ट नंबर के सीक्रेट प्लेस पे और आप इस तरीके से बाहर वगैरह आ सकते हो। तो तीसरे नंबर का सीक्रेट प्लेस को करने के लिए आपको यार यहाँ पे आना पड़ेगा पोचिनोक के बाहर के साइड में आना पड़ेगा है ना, तो जहाँ पे मैं हूँ ना वहाँ पे फ्रेंड्स यार आपको आना पड़ेगा और यार यहाँ पे देख लो पूरा बाहर के साइड में आना पड़ेगा। यहाँ पे यार ये जो स्टोन देखने को मिलता है ना
तो इस वाले स्टोन के पास, इस वाले पत्थर के पास में आपको आना है। और यार यहाँ पे आपको तीन ग्लूहोल लेके आना पड़ेगा इस वाले को करने के लिए। तो तीनों ग्लूहोल को कुछ इस तरीके से सेट कर दो, फिर यार यहाँ से फर्स्ट वाले ग्लूहोल के ऊपर, सेकंड वाले ग्लूहोल के ऊपर और थर्ड वाले ग्लूहोल के ऊपर चले जाना है। तो देख लो यार मैं गया, और फिर यहाँ से मैंने एक बार जंप किया था तो यार मैं नीचे की साइड में गिर गया। तो कोई ना यार, अपन वापिस से करेंगे। तो यहाँ से वापिस से करेंगे उसी तरीके से आपको, यार जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ ना उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। और थोड़ा फास्ट कर लेना भाई ये वाले को, क्योंकि यार यहाँ पे तीन ग्लूअर लगाते हैं और खुले में तो कोई भी बंदा यार आपको देख सकता है और आपकी सुताई उताई कर सकता है। सो यहाँ पे प्रिंटर आपको इस तरीके से आने के बाद आपको यार ये जोस्टिक से ऊपर के साइड में आ जाना है जिस तरीके से मैं आया ना। फिर उसके बाद यार थोड़ी देर तक फायरिंग वगैरह मत करना, क्योंकि यार आपके जो ग्लू वाले ना वो यार हटे नहीं तब तक यार फायरिंग वगैरह नहीं करना, नहीं तो यार किसी भी बंदे को शक हो जाएगा कि यहाँ पे कोई ये इनेमी नेमी है आसपास बैठा हुआ है। तो अगर आप यार चाहते हो फायरिंग वगैरह करना, किसी बंदे को बुलाना चाहते हो, तो आप यार थोड़ा रुक जाओ, वह ये खत्म हो जान दो। अभी देखो फ्रेंड्स यार ग्लू वॉल मेरे फूट गए, तो अब मैं यार यहाँ पे फायरिंग वगैरह कर सकता हूँ इसी तरीके से। तो मैं फायरिंग कर रहा था और ऐसे ही जूम इन जूम आउट कर रहा था, तो मेरे को यार एक बंदा यहाँ पे सीन हो गया। तो देखो फ्रेंड्स यार पोचिनो वाली साइड में एक बंदा सीन हुआ, तो उसको यार मैंने यहाँ से तो काफी ज्यादा धोया, तो उसने यार डाल के कवर वगैरह बना लिया। बाकी यार मैंने सब तोड़ दिया भाई, उसका ग्लू वगैरह सब तोड़ दिया, फिर भी यार वो कवर में मतलब फिर भी यार वो बच गया, दूसरा ग्लू डाल दिया भाई। तो यार पीछे की साइड से जोन भी आ गया था, तो मैं यार नीचे चले गया। तो नीचे जाने के लिए आपको क्या करना है, इसको खोल लेना है और जो स्टिक से यार नीचे की साइड में आप जिस तरीके से मैं आया ना उस तरीके से आ जाओ। और फिर यार जोन में जाने के बाद यार मैंने उसको छोड़ा नहीं, फिर यार मैं जोन में गया ना, तो मेरे को यार वो बंदा इधर के साइड से बाहर जा रहा था, जोन के अंदर जा रहा था, तो मैंने यार उसकी फाइनली सुताई उताई कर दी। तो इस तरीके से ये वाला सीक्रेट प्लेस भी काफी ओपी बन जाता है भाई, बन जाता है। सो अभी अपन चलते नेक्स्ट नंबर का, तो नेक्स्ट नंबर में फ्रेंड्स यार आपको देखने को मिल जाएगा, ये थोड़ा सा बेसिक है भाई, इसमें आपको यार एक ग्लू होल की जरूरत पड़ेगी। और एक ग्लू होल को जिस तरीके से यहाँ पे मैंने लगाया ना उस तरीके से लगा दो, और फिर आपको यहाँ से इस फेंस के ऊपर और ग्लू होल के ऊपर चले जाओ। और ग्लू होल के ऊपर जाने के बाद देख लो फ्रेंड्स यार यहाँ से इस हाउस के ऊपर आ जाना है, मतलब ये ना उसके ऊपर आ जाओ, ग्लू होल वगैरह तोड़ दो, ताकि यार किसी बंदे को पता ना चले। बाकी यार आप यहाँ पे आओगे तो ये थोड़ा सा मतलब रिस्की है भाई, ये वाला थोड़ा सा रिस्की है, इस पे लेटना भी रिस्की है। इस पे तो लेटना ही मत लेटना भाई, इस पे मत लेटना। अगर आप यार इसको यूज करना चाहते हो ना, तो इस पे यार लेटने वटने की कोशिश मत करना, नहीं तो सुताई उतई हो सकती है। यहाँ पे प्रिंटर आपको यार घूमते फिरते रहना है, ये जो मतलब ये झोपड़ी के ऊपर ये जो कवर वगैरह लेने के लिए बनाए ना, इसके ऊपर यार मस्त तरीके से आसपास घूमते रहो, काफी ज्यादा सेफ रहेगा। और जोन वो ना जाए तो फिर यार यहाँ से फाड़ी हो जाओ, मतलब यहाँ से भाग जाओ। बाकी भाई यहाँ पे मैंने यार काफी देर तक बैठा था, काफी देर तक कैंप वगैरह किया, कोई भी नहीं आया, फिर यार जोन आ गया था तो मैं यार यहाँ से निकल गया। तो कोई ना यार, ये वाला सीक्रेट प्लेस भी काफी ओपी है, काफी अमेजिंग। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना, अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल पे आ रहे हो पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। सो चलो यार अभी अपन चलते हैं अपने पांचवें नंबर के सीक्रेट प्लेस पे। तो पांचवें नंबर में फ्रेंड्स आपको देखने को मिल जाएगा बरमुडा रिमास्टर के अंदर, है ना। तो आप सारे के सारे यार सीक्रेट प्लेस बरमुडा रिमास्टर में होने वाले। सो फर्स्ट वाला फ्रेंड्स आपको को मिलेगा ये जो हवेली है ना, इस हवेली में फ्रेंड्स सर आपको ऊपर चढ़ना है। तो ऊपर चढ़ने के लिए आपको यार तीन ग्लू जिस तरीके से मैंने सीढ़ियों से सेट किया ना उस तरीके से सेट कर दो। तो आपको यार यहाँ पे स्कोप खोल के ये टायर के ऊपर जंप करना पड़ेगा, तभी आप यार ऊपर आ पाओगे। आप नॉर्मल जंप करोगे ना तो नॉर्मल में आप यार पान की घुमटी के आर पर चले जाओगे। तो यार देखो जिस तरीके से मैं आया ना उस तरीके से आ जाओ, और यार यहाँ पे आप जिस तरीके से मैं लेट रहा हूँ ना उस तरीके से लेट जाओ, और कोई भी बंदा बंदा आए तो उससे आप यार कुछ इस तरीके से डील वगैरह कर सकते हो। बाकी फ्रेंड्स यार यहाँ पे एक और चीज देखने को मिलती है, यहाँ से आप यार बंदे बंदे तो टपका ही सकते हो, बाकी यार आप उधर के साइड में भी जा सकते हो। तो उधर के साइड में जाने के लिए मैं यार टेक्निक बता देता हूँ किस तरीके से आप यार उधर के साइड में जा सकते हो। तो उधर के साइड में जाने के लिए आपको यार यहाँ से आना है, और यार यहाँ से थोड़ा सा आराम से आगे की साइड में जाने की कोशिश करना, और थोड़ा सा मतलब स्क्रीन को रोटेट करना, जॉयस्टिक से भी आप कर सकते हो। बाकी यार आप ये ना इधर के साइड में फैक्ट्री वाली साइड में भी आ सकते हो, और फैक्ट्री के ऊपर यार कोई बंदे बंदा हो बैठा हुआ तो यार यहाँ से आप उसको भी टपका सकते हो, और वो भी आपको टपका सकता है। तो इधर यार फैक्ट्री के ऊपर वाली ऊपर वाला बंदा आपको मार सकता है, बाकी आप यार कुछ इस तरीके से लेटते हो तो यार वो भी नहीं मार पाएगा। सो ये वाला भी काफी अमेजिंग है, काफी ओपी है। बाकी फ्रेंड्स यार यहाँ पे भी यार अगर आप इधर के साइड में लेटोगे तो इधर के साइड में भी काफी ओपी रहेगा। बाकी यहाँ पे भी आप यार गेम वगैरह कर सकते हो, सर्वाइव वगैरह कर सकते हो, अपनी रैंक को पुश कर सकते हो। सो अभी अपन चलते हैं नीचे की साइड में, क्योंकि यार पीछे की साइड से आ रहा है जोन। तो बिना डैमेज में नीचे जाने के लिए आपको यार यहाँ से इधर और यार यहाँ से इधर के साइड में आ जाओ। सो चलो यार अभी अपन चलते हैं अपने छठे नंबर के सीक्रेट प्लेस पे।
सो छठे नंबर का सीक्रेट प्लेस आपको देखने को मिल जाएगा बरमुडा रिमास्टर के अंदर। बरमुडा रिमास्टर में आपको अगेन पोची नोक पे ये वाले टायर के पास में आ जाना है। ये वाले टायर मतलब इस पे से जंप करके इधर और यार यहाँ से इधर, ये डबल डोर के ऊपर यार काफी सही साइड वाला सीक्रेट प्लेस बन जाता है। मतलब ये बरमुडा रिमास्टर के अंदर इसमें ब्रिंचर आप यहाँ पे लेट जाते हो तो यार यहाँ से सिर्फ वही वाला बंदा मार सकता है, वो मल्टी विंडो के ऊपर वाला बंदा आपको मार सकता है। बाकी यार पीक के साइड वाला बंदा भी आपको यार इतना नोटिस नहीं कर पाएगा क्योंकि यार यहाँ पे काफी लॉन्ग रेंज बन जाता है, रेंज से बाहर हो जाता है, तो आपको यार कोई भी बंदा इधर से नहीं देख पाएगा, मतलब चारों साइड से नहीं देख पाएगा, मेरे को तो ऐसा ही लगता है। और आप यार यहाँ पे घूमते फिरते रहते हो तो आपको कोई दिखता है तो आप यार उसकी मस्त तरीके से सुताई उताई भी कर सकते हो। शायद वो यार बंदा मेरी शूटिंग देख रहा था तो शूटिंग देखने आया था। सो अभी अपन चलते नीचे की साइड में। नीचे की साइड में जाने के लिए यार यहाँ से आपको इधर और इस वेंडिंग मशीन के ऊपर आकर मतलब ऊपर से कुछ इस तरीके से नीचे आ सकते हो, जिस तरीके से अपन आए ना उस तरीके से नीचे आ सकते हो। सो चलो यार अभी अपन चलते अपने सातवें नंबर के सीक्रेट प्लेस पे। तो सातवें नंबर का सीक्रेट प्लेस आपको देखने को मिल जाएगा ये मल्टी विंडो के ऊपर। तो मल्टी विंडो के ऊपर जाने के लिए आपको यार अगेन स्कोप खोलना पड़ेगा क्योंकि यार स्कोप खोल के जाओगे ना तभी यार यहाँ से आप जंप कर पाओगे बरमुडा रिमास्टर के अंदर। सो यार यहाँ पर भी आप यार लेटते हो तो आपको सिर्फ इस पीक वाली साइड में ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यार इधर के साइड से भी आपको कोई नहीं देख सकता, सामने वाली साइड से भी आपको कोई नहीं देख सकता और एक साइड तो यार यहाँ पे कवर वगैरह देखने को मिल जाता है, जो टायर है ना उस टायर वाली साइड में ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी फ्रेंड्स यार आपको बंदे टपकाना है ना तो थोड़ा घूमता फिरते रहो, तो घूमते फिरते रहोगे और कोई बंदा आपको दिख जाता है, किसी के पैरों की आवाज आती है जिस तरीके से आप ही में कोई, तो इस बंदे की अपन ने यहाँ पे पैरों की आवाज आई थी तो मैंने यार इसकी सुताई उताई कर दी थी यहाँ से बैठे बैठे, तो ये वाला सीक्रेट प्लेस भी काफी ओपी बन जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स यार आप डायरेक्ट जंप वगैरह करके बाहर भी जा सकते हो और उसी तरीके से विंडो का सहारा लेके भी नीचे जा सकते हो। बाकी फ्रेंड्स यार लास्ट नंबर का सीक्रेट प्लेस आपको देखने को मिल जाएगा, ये यार थोड़ा सा कठिन भी है और ये वाले सीक्रेट प्लेस को करने के लिए 3 ग्लू वॉल लगते हैं, तो ये थोड़ा सा मेरे को नहीं लगता कि अच्छा होने वाला है। बाकी फ्रेंड्स यार आप देख लो इसको करने के लिए आपको यार 1 ग्लू वॉल सेट करने के बाद यार यहाँ से आप ऊपर के साइड में आ जाओ, ये पान की घुमटी पे आ जाओ और फिर यार दूसरा ग्लू वॉल कुछ इस तरीके से सेट कर दो और तीसरा वाला ग्लू वॉल कुछ इस तरीके से सेट कर दो, फिर यार यहां से आपको इधर जंप, इसके ऊपर जंप, इसके ऊपर जंप और फिर एक लास्ट जंप करना पड़ेगा। तो यहां से लास्ट जंप होने के बाद आप ग्लू वॉल तोड़ भी सकते हो, बाकी यार मैं नहीं तोड़ने वाला। और मुझे एक बंदा दिख गया था तो वो बंदे को यार मैंने धोया तो वो बंदा यार बेचारा कवर वगैरह में चले गया, तो कवर में जाने के बाद यार मेरे को चकमा देख के वो इधर से इधर के साइड में निकल गया, घर के अंदर चले गया, तो मेरे पास तो यार था मोको तो मैं जूम इन जूम आउट करते रहा, तो जूम इन जूम आउट में बेचारा बंदा सच्ची में फंस गया और उस बंदे की मैंने यहाँ से बैठे बैठे अटैक वगैरह कर दी। बाकी यार यहाँ पे लेटना काफी ज्यादा सही रहेगा, यहाँ पे आप लेट जाते हो तो काफी सही साइड वाला सीन रहेगा। बाकी ओके फ्रेंड्स यार ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना, ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल पे आ रहे हो पहली बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो ना उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स यार बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय फ्रेंड्स यार बाय बाय।